today's topic, accounting for derivatives. let's see, first of all, the learning outcomes. students will learn what are derivatives. the basic things, what are the de derivatives are. then how they are recorded in the financial statements and how to mitigate risk involved in derivative transaction so these are the three basic objective to learn then the objective is to establish principle for presenting financial instrument such as financial assets financial liability and equity although we have discussed this in the previous sessions also but here we have to discuss in much more detail okay, what are the financial assets financial liabilities and equity relating to derivative the standard should also apply uh, by all entities to all types of financial instruments except 19 and 34 and 27. Because these three standards are, are, are altogether different. Although there are some like derivatives over there, but we are not talking about that. We have to consider only IS39, uh, I, uh, IFRS9. Now, first of all, the definition a derivative is a financial instrument with all three of the following characteristics. all, do you remember, if anyone is missing, it's not a derivative. number one, its value changes in response to the changes of specified interest rate, security price, commodity price, foreign exchange rate, index of price or rates, credit rating and credit index or other variables are number of variables which affects of their change so if they are cheap on changing so we have to see how we are going to record these transaction when there is change occurs so number one is the value changes in response to all these things the number two is uh, it requires no initial net investment when initially लेकिन इन सर्टन केसेस में होता है कि थोड़े बहुत पैसे आपको देने पड़ जाते हैं लेकिन नॉट इन ऑल केसेस सो देर इज़ नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी जब आप कोई चीज़ ले रहे हैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पैसे तो नहीं दे रहे हैं ना सिंपली आप एक रिकॉर्ड कर रहे हैं एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं उसमें तो पैसे इन्वॉल्व नहीं होते सेकेंडली इट इज़ सेटल्ड एट ए फ्यूचर डेट यानी एक फ्यूचर डेट के लिए आपने एक एग्रीमेंट किया है जो सेटल होगा फ्यूचर डेट में आप आज आप साइन कर रहे हैं लेट से जनवरी फर्स्ट है और आप तीन महीने के लिए एक कॉन्ट्रेक्ट साइन कर रहे हैं तो तीन महीने के बाद वो सेटल होगा दरम्यान में जो चेंजेस आएंगी बिकॉज ऑफ दोज थिंग आपने ये देखना है कि उन चेंजेस को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है हमने इस पर्टिकुलर डेरीवेटिव में एन इंस्ट्रूमेंट विद रि दैट इज ऑबटेन फ्राम और डिराइव्ड फ्राम एनदर अंडरलाइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वंस अगेन डेरीवेटिव इट्स सेल्फ इज नॉट ए शेयर इट्स नॉट ए कमोडिटी नो इट्स सिंपली एन एग्रीमेंट राइट सो अगेंस्ट दिस एग्रीमेंट देराइव समथिंग फ्रॉम दैट एग्रीमेंट यानी इस एग्रीमेंट के बदले में आपको कोई चीज मिलेगी और उसको जब आप खरीदने जाएंगे तो उसको आप ऑब्वियसली पेमेंट करना पड़ेगी लेकिन इनिशियली आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती अब देखिए इसकी एग्जाम्पल में वॉरेंट्स हैं राइट्स हैं ऑप्शन हैं फॉवर्ड हैं, हैं और फ्यूचर्स हैं इनफैक्ट स्टैंडर्ड में ये जो पहला वारंट्स और राइट्स है ये डिस्कस नहीं किए गए लेकिन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई एक्सप्लेन यू वॉट वारंट्स आर एंड वॉट राइट्स आर फर्स्ट वारंट्स क्या है बेसिकली कि जब आप एक बॉन्ड्स इशू करते हैं और आप समझते हैं कि मार्केट में हमारे बॉन्ड्स की अभी मार्केट नहीं है और लोग शायद ना ख़रीदें तो आप क्या करते हैं आप उस बॉन्ड के साथ एक वारंट अटैच कर देते हैं इसका मतलब ये होगा कि अगर आप हमारा बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको ये फ्री में वारंट्स मिल रहा है और इस वारंट्स के बदले में आफ्टर सर सर्टन डे आपको इसके बदले में आपको एक शेयर दे देंगे और वो शेयर की प्राइस भी हो सकती है बगैर प्राइस के भी शेयर हो सकता है लेकिन एक किस्म का स्वीटनर आप इसके साथ अटैच कर रहे हैं बॉन्ड के ताकि लोग जो हैं आपके बॉन्ड्स को इसलिए ख़रीदें कि बाद में आपको एक फ्री में शेयर भी मिल जाएगा या सस्ते दामों पर कोई शेयर भी मिल जाएगा तो दैट इज़ वारंट नॉर्मली इसकी फुल फ्लैज अकाउंटिंग है जो इस स्टैंडर्ड में उसने डिस्कस नहीं की है सिमिलरली राइट्स की बात जो है देखिए अर्निंग पर शेयर के केस में हमने पढ़ा था कि कंपनी जो है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब भी कोई शेयर इशू करना चाहते हैं तो वो राइट right शेयर कहलाते हैं अब राइट right शेयर जो होते हैं वो नॉर्मली मार्केट प्राइस से कम पर इशू किए जाते हैं और जब कम पर इशू किए जाएंगे तो एक्स राइट प्राइट जो होती है वो मार्केट प्राइस से कम निकलती है एक 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 शेयर होल्डर से उसके पास पैसे ही नहीं है राइट शेयर ख़रीदने के लिए तो अगर वो राइट शेयर को फोर गो करता है तो उसको नुकसान हो जाएगा क्योंकि राइट के कम राइट प्राइस ज़्यादा है एक्स राइट प्राइस कम है तो उसके प्राइस शेयर की प्राइस कम हो जाएगी तो टेक्निकली ये होता है कि अगर वो समझदार है तो ये राइट्स भी मार्केट में बिक सकते हैं राइट्स की अलग से भी एक प्राइस होती है और लोग वो राइट्स ख़रीद लेते हैं क्योंकि ख़रीद कर सस्ते दामों पर उनको शेयर मिल जाता है तो ये राइट्स भी बिकते हैं लेकिन अगेन इसकी मार्केट भी जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है और ना ही स्टैंडर्ड में डिस्कस किया गया है लेकिन ये जो आगे तीन है ऑप्शनस फॉरवर्ड एंड फ्यूचर ये इनका बाकायदा स्टॉक जिसको कहते हैं ना एक्सचेंज है एक्सचेंज से मुराद है कि ये बिकते हुए जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें शेयर बिकते हैं इसी तरह इनका भी एक्सचेंज है लंडन में तो बड़ा बहुत बड़ी बिजनेस है इसका ऑप्शंस का फॉरवर्ड का और फ्यूचर्स का हमारे यहाँ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में कि वहाँ पर इसकी ट्रेडिंग होती है यानी फॉरवर्ड्स की भी और कॉन्ट्रैक्ट्स की भी और ऑप्शंस की भी ट्रेडिंग होती है लेकिन वेरी फ्यू एक चीज़ में रखें कि ये एक किस्म का रिस्क है जब आप डायरीवेट में डील करते हैं तो यू आर टेकिंग अ रिस्क इस रिस्क में ये है कि आपको नुकसान भी हो सकता है और आपको फ़ायदा भी हो सकता है लेकिन अगर आप इसमें जाना चाहते चाहिए मार्केट में तो आपको फुली नॉलेज होना चाहिए कि हाउ द मार्केट्स ऑफ ऑप्शन और फ्यूचर और वारंट्स एक्सेट्रा कैसे चलती हैं जब तक आपको इसका फुल नॉलेज नहीं होगा आप इसमें इन्वॉल्व ना करें क्योंकि इसमें बहुत फ़ायदा भी हो सकता है और बहुत नुकसान भी हो सकता है ये नहीं देखिए फ्यूचर को आप प्रिडिक्ट हैं तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए कोई ऐसी टेक्निक अभी तक नहीं हुई है जो हंड्रेड परसेंट ट्रूफ प्रिडिक्शन कर सके इसलिए ओबियसली इसमें नुकसान का चांसेस भी हैं इसलिए ये जो टॉपिक है डेरिवेटिव्स का इसमें बिज़नेस है लोग करते हैं और बाहर तो बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसमें बहुत सारी कंपनियाँ डूब भी गई हैं इसी चक्कर में लेकिन हमने एहतियात करनी है कि हमने अभी बिज़नेस में सच नहीं जाना बल्कि सिर्फ समझना है कि ये वारंट्स क्या है राइट्स क्या हैं ऑप्शन क्या है फ्यूचर क्या है और आपका फॉरवर्ड्स क्या है तो दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स टू परचेज और सेल स्पेसिफिक क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज यानी जरूरी नहीं कि शेयर ही में आप इसका ट्रेड करें कमोडिटीज में भी ट्रेड कर सकते हैं स्पेसिफाइड नंबर वन करेंसी फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है एट स्पेसिफाइड प्राइस प्राइस जो है स्पेसिफाइड डिटर्मिनट होगी इन एडवांस कि किस प्राइस पर आपने खरीदना है और किस प्राइस पर दूसरी पार्टी ने आपको बेचना है ये प्राइस पहले से डिटर्मिन होगी इसको हम कह देते हैं एक्सरसाइज प्राइस एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद डिलीवरी और सेटलमेंट टू टेक प्लेस एट द स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट जबकि उसकी डिलीवरी फ्यूचर डेट में एक स्पेसिफाइड डेट है उस पर होनी है इसके दरम्यान अगर कोई फर्ज करें चेंज आती है तो आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ वो इसको एडजस्ट कर सकते हैं बट नॉर्मली ये ट्रेड ऐसी है कि इसमें कर लेते हैं लोग आपस में समझौता कर लेते हैं कि ठीक है जी लेट्स फॉर गोथ और एडजस्टमेंट कर लेते हैं आपस में लेन देन करके ख़त्म कर लेते हैं ये पॉसिबिलिटी है लेकिन अदरवाइज एक डेट को आपने साइन किया एक प्राइस पे साइन किया और एक पर्टिकुलर डेट को इसको सेटल होना है फॉरवर्ड इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़ इन विच वन पार्टी एग्रीज टू बाई एंड दी अदर एग्रीज टू सेल एन एसेट्स एट ए फ्यूचर डेट यानी दोनों पार्टियाँ एक सेलर है एक बायर है वो एग्री कर लेते हैं लेकिन उनके पास कुछ नहीं है अभी याद रखे ना उसके पास है कोई चीज़ ना उसके पास कोई बेचने के लिए ना उसके पास दे जस्ट एग्री क्या जी हम फला डेट को इस प्राइस पर यह चीज़ आपसे ख़रीदेंगे एक सेलर है एक बायर है और ये इंडिविजुअल्स हैं बेसिकली कंपनी भी हो सकती हैं लेकिन नॉर्मली इंडिविजुअल्स हैं और इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप एग्रीमेंट तो कर लेते हैं लेकिन चूंकि ये लीगली एज सच स्ट्रांग नहीं है कि जी आपको और अगर फ़र्ज़ करें आप एक एक, पार्टी उसको ऑनर नहीं करती है अपने कॉन्ट्रैक्ट को तो होगा क्या ऑब्वियसली फिर लिटिगेशन में चला जाएगा काम क्योंकि इसमें ऐज सच कोई इन राइटिंग में एज सच नहीं है कि जी आप ज़रूरी ये काम करें उसके बाद जो फ्यूचर है इज़ ए फॉरवर्ड कमिटमेंट टू क्रिएटिड एंड ट्रेडिड ऑन द फ्यूचर एक्सचेंज इसमें जो है आप थ्रू स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज के थ्रू जाएंगे यानी आपको एक पार्टी इन्वॉल्व करना पड़ेगा यानी एक, एक बेचने वाला है एक खरीदने वाला है दरमियान में ब्रोकर है और ये ब्रोकर जो है अथोराइज ब्रोकर है ये दोनों को आपस में मिलाता है और फिर डील फाइनल करता है जहाँ तक है ऑप्शन आर कॉन्ट्रेक्ट्स दैट गिवस ए परचेजर द राइट टू बाई कॉल ऑप्शन यानी कॉल ऑप्शन का मतलब है कि आपके पास राइट है टू बाई और दूसरी साइड पर है सेल सेल के लिए पुट ऑप्शन तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ये दो तरह की हैं एक बेचने वाला है एक खरीदने वाला है एज ए स्पेसिफाइड क्वान्टिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कमोडिटी और करेंसी एट ए स्पेसिफाइड रेट एज ए स्पेसिफाइड अगेन एक फ्यूचर में आपने एक चीज़ खरीदनी है बेचनी है उसकी प्राइस पहले से तय हो जाएगी तो दिस इज हाउ एक्चुअली दिस थ्री फोर डेलीवेटिव आर विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेकिन नोमरिकली हमने सिर्फ फ्यूचर फॉरवर्ड और ऑप्शंस को देखना है थैंक यू वेरी मच